हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में मैं आपका जो चैप्टर चल रहा था बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर थर्ड बिजनेस स्टडी का, पूनम गांधी लेटेस्ट एडिशन से, वहाँ पे मैंने एक पार्ट करवाया था और काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जिन्होंने अब तक उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सब मिल जाएगी। प्लीज़ वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से। द अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज मस्ट फॉर एवरी बिजनेस मैन, एज इग्नोरेंस अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट कैन थ्रो द बिजनेस मैन आउट फ्रॉम द मार्केट। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ होनी चाहिए, आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपको आपके मार्केट से उठाकर फेंक सकता है। उठा के फेंक सकता है तो गोदी में लेके नहीं, कंपीट करके नुकसान पहुंचाकर। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट ब्रिंग्स लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर द बिजनेस मैन एंड दीज बेनिफिट्स आर। अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है, अनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एट अर्ली स्टेज गेट मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट। एक ऐसा बिजनेसमैन जो बहुत जल्दी जो भी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसे स्कैन कर लेता है, तो वो उस पर बेनिफिट उठाने वाला पहला इंसान बन सकता है और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर कैप्चर कर सकता है। दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर। वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मारुति वॉज द फर्स्ट कंपनी टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स इन एन एनवायरमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस एंड लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इंडिया, सो दे बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट। जो मारुति कंपनी है, उन्होंने पहली कंपनी थी जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि भाई छोटी छोटी कार, छोटी छोटी कार नहीं, वो वाली नहीं जो पीछे खींचो आगे भागती हैं, छोटी मोटी कार, यानी कि छोटे बजट में कार की आवश्यकता है ऐसे एनवायरनमेंट में जो प्राइस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और वो मार्केट में लीडर बन गए स्मॉल कार मार्केट के। सेम वे, व्हाट्सएप वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर मोबाइल चैट, आफ्टरवर्ड्स मैनी अदर एप्लीकेशन कम बट स्टिल व्हाट्सएप नंबर वन इन मोबाइल चैट। ऐसे ही व्हाट्सएप ने मार्केट को एनालाइज किया और उसका फ़ायदा उठाने वाले पहले इंसान बने। आज की डेट में बहुत सारी हमारी मोबाइल चैट है, बच्चे जानते हैं, आजकल तो लोग गूगल पे पर भी नहीं छोड़ते, गूगल पर भी बात करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप सबसे बेस्ट है। सेकंड है, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। यानी कि आपको मालूम रहता है कि फ्यूचर में आपको आने वाले कौन से ऐसे रिस्क हैं, कौन से ऐसे नुकसान हैं जो आपके बिजनेस पर इफेक्ट कर सकते हैं। द बिजनेस मैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन टाइम गेट अ वार्निंग सिग्नल टू डील विद द कॉन्स्टेंट और द नेगेटिव पॉलिसी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसा बिजनेस मैन जो एबल है मार्केट को स्कैन करने के लिए, मार्केट को समझने के लिए, तो उसे टाइम से पहले ही वार्निंग मिल जाती है कि कौन कौन से आने वाले नेगेटिव चीज़ें हैं उसके लिए। टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन विच बिजनेसमैन गेट्स इज टेकन एज वार्निंग सिग्नल एंड चेंजेज इन द कंपनीज आर मेड। टाइम टू टाइम स्कैनिंग करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास, आपको मालूम पड़ता है कौन कौन से पॉजिटिव और कौन कौन से नेगेटिव चीज़ आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट के स्कैनिंग करने के बाद जो मारुति उद्योग कंपनी था गॉट द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन डेट मोर फॉरिन कार मैनुफैक्चरिंग कंपनी आर गोइंग टू सेटअप देयर इन इंडिया, दे टुक इट एज अ वार्निंग सिग्नल एंड स्टार्टेड इंक्रीज एयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। मारुति जो कंपनी है, उन्हें मालूम पड़ा कि भाई बहुत सारी फॉरेन कार कंपनी भी हैं जो बहुत जल्दी कार मैन्युफैक्चर करने वाली हैं बिजनेस इंडिया में, तो उन्होंने क्या करा, उनको मालूम पड़ गया ये चीज़ पहले ही, तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। द मारुति कंपनी एक्सेप्टेड द एंट्री ऑफ फॉरेन कार कंपनी एज वार्निंग सिग्नल एंड इंक्रीज देयर प्रोडक्शन टू सप्लाई द कार विदाउट एनी वेटिंग पीरियड टू कम्पीट विद द न्यू कंपनी। तो मारुति कंपनी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया एज अ वार्निंग सिग्नल और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया बिना किसी वेटिंग पीरियड के। वेटिंग पीरियड क्या होता है, जब आप कोई कार खरीदते हो तो वो वेट में आता है, यानी 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 40 दिन बाद, तो उसे कम किया गया ताकि वो कम्पीट कर सके नई कंपनी से। थर्ड है फीचर, हेल्पफुल इन टेपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज।
बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन मार्केट। बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, मार्केट में गुड्स सप्लाई करना पड़ता है मार्केट की डिमांड के अनुसार। टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट, अगर उन्हें कुछ आउटपुट देना है तो उसके लिए इनपुट की जरूरत पड़ेगी, जैसे रॉ मटेरियल है कितना चाहिए। दे एक्वायर रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द आउटपुट डिमांडेड इन द एनवायरमेंट। वो रॉ मटेरियल उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितना कि उन्हें आवश्यकता है, उनके माइंड में ये बात रहती है कि उन्हें कितना आउटपुट चाहिए। दे सिलेक्ट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी इन एनवायरमेंट एंड डिमांड ऑफ आउटपुट इन एनवायरमेंट। वो रिसोर्सेज इस चीज़ को देखकर सिलेक्ट करते हैं कि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड कितनी है। फॉर एग्जाम्पल विद द डिमांड ऑफ LED 3D TV मैनुफैक्चर आर कलेक्टिंग नेसेसरी रिसोर्सेज टू मैनुफैक्चर LED एंड 3D TV। मार्केट में डिमांड किसकी है, LED की है, 3D TV की है, तो उसी हिसाब से मैन्युफैक्चर उसके बारे में काम कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं। दे यूज द स्कैनिंग रिपोर्ट एज इनपुट टू मेक चेंज इन द आउटपुट। उन्होंने मार्केट की जो रिपोर्ट थी उसको स्कैन करके एक इनपुट में चेंज किया और उसको वो फिर आउटपुट में चेंज कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एंटरप्राइज असेंबल वेरियस रिसोर्सेज जैसे कि फाइनेंस मशीन है, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेक पॉलिसी सो डैट इट गेट द रिसोर्सेज डैट नीड टू कन्वर्ट इन टू आउटपुट। ऑर्गेनाइजेशन को इन सब के बारे में नॉलेज चाहिए होती है ताकि वो उस चीज़ को आउटपुट में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर सकें। फिर है आपका हेल्प टू एडजस्ट एंड एडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। आज की डेट में चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं और इन चेंजेस का बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हमें ये समझना बहुत जल्दी पड़ेगा कि क्या क्या चेंज हो रहा है मार्केट में ताकि हम मार्केट में कम्पीट कर सकें। बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग हेल्प द कंपनी टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड दीज चेंज विद एनवायरमेंट स्कैनिंग। बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग आपको हेल्प करती है, कंपनी की हेल्प करती है कि आप अच्छे से मार्केट को स्कैन कर पाए। बिजनेसमैन मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल एनवायरमेंट ऑल्सो टू मैच द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। बिजनेसमैन चेंज करते हैं अपने इंटरनल एनवायरमेंट में ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट को मैच कर सकें। सो एनवायरमेंट स्कैनिंग हेल्प इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंज, ताकि जो एनवायरमेंट है वो हेल्प करते हैं रैपिड चेंजेस में, यानी मार्केट में चेंज हो रहे हैं उसे पाने में। एग्जाम्पल दे रखा है, ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन कस्टमर आर बिकमिंग मोर डिमांडिंग एंड इट हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर बिजनेस एंटरप्राइज टू अडेप्ट रैपिड चेंज बाय टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। भाई कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है, तो कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है तो अब तरह तरह की डिमांड आ रही है, तो उन डिमांड को जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो एक्सेप्ट करती है। फिर है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। द मेजर स्ट्रेटजी और प्लानिंग एंड पॉलिसी इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म कीपिंग इन माइंड बिजनेस एनवायरमेंट बिकॉज द पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर। जो बड़ी बड़ी प्लान्स बनाए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाई जाती है, वो इसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाई जाती है, इसी चीज़ को ध्यान में रखे हुए बनाई जाती है कि मार्केट में क्या चल रहा है। जो भी पॉलिसी बनती है, जो भी स्ट्रेटजी बनती है, वो मार्केट में जो एनवायरमेंट चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। स्कैनिंग ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर हेल्प इन फाइंडिंग आउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस एंड स्ट्रेटजी कैन बी मेड टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। जो भी एनवायरमेंट स्कैनिंग होती है वो इसीलिए होती है ताकि हम पता कर सकें कि इस समय हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, स्ट्रेटजी हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि हम उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। फॉर एग्जाम्पल ऑन स्कैनिंग द इंडियन बिजनेस एनवायरमेंट वी फाइंड देयर इज ग्रेट स्कोप फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री इन अवर कंट्री। अगर हम इंडियन बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करें तो हम ये पाते हैं कि हमारे इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। सो बिजनेसमैन आर प्लानिंग स्ट्रेटजी टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो जो बिजनेसमैन है वो प्लान कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए। वेरियस होटल्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ITC ग्रुप आर मेकिंग न्यू स्ट्रेटजी फॉर टूरिस्ट। वेरियस, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, ITC ग्रुप हो, ये स्ट्रेटजी बना रहे टूरिस्ट के लिए। देयर इज़ अ सेपरेट ट्रेवल सेगमेंट सेटअप एंड सेपरेट लीगल एंड फंड सेगमेंट सेटअप टू गेट द बेनिफिट ऑफ अपकमिंग टूरिस्ट इंडस्ट्री। फिर सिक्स है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। विथ कंटिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट कंपनीज कैन ईजिली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। टाइम टू टाइम बिजनेस एनवायरमेंट को अगर स्कैन किया जाता है तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। By making changes in the internal environment matching to external environment, organization can prosper and improve their market share. Internal environment में चेंज कर रहे हैं ताकि वो मैच करें एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इम्प्रूव हो रही है। तो ये छः
एक तरीके से आप कह सकते हो इम्पोर्टेंस हैं जो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट से मिलते हैं। इनको शॉर्टकट में समझने के लिए यहाँ पर आपको दे भी रखा है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलना, कोई दिक्कत आ रही है उसके बारे में पहले से मालूम होना, कौन कौन से रिसोर्स हमारे लिए बेनिफिशियल उनके बारे में मालूम होना एंड सो ऑन। फिर आपको दे रखा है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि आपके इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और केस स्टडी भी आपको इसमें से आएगा ही आएगा, तो जिसको हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।